नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का चल रहा है कोल्ड्रा, और कोल्ड्रा का पहला वीडियो लॉन्च हो चुकी है। उस वीडियो में हम लोग उसकी इंटरफेस के बारे में मैं बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिजाइन करके मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, तो क्या करते हैं, देखिए मेरे पास पहले से कोल्ड्रा में ओपन करके रख लो, यहाँ पर हम लोग छोड़ चुके थे। तो मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर कोई डिजाइन बनाएंगे। उस डिजाइन का हम लोग नाम लिखेंगे कि क्या आप डिजाइन बनाना चाहते हैं। कोई भी डिजाइन, जैसे मैसेज बॉक्स या बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर डिजाइन का नाम आप लिख सकते हैं। दोस्तों, हम एक डिजाइन बनाएंगे, जिस वो नेम में नाम देंगे। तो हम क्या बनाएंगे डिजाइन, आज हम बनाएंगे मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स बनाएंगे, तो मैसेज बॉक्स का यहाँ नाम लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे आरजीबी कलर, इसको लेटर हिस्सा छोड़ देते हैं, और इसके बारे में पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था पूरी डिटेल के साथ। और इसको हम लोग पोर्ट्रेट में रखेंगे, पेज एक ही लेंगे, आरजीबी रखेंगे 300 रखेंगे, और प्रीव्यू मोड ये रखेंगे, और यहाँ पर टिक लगा के आगे मैं बढ़ूंगा। अब देखिए मेरे पेज आ गया। अगर वहाँ पर आप कोई चीज़ गलती कर दिए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से आप लेटर साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको आप वाइड में चाहे इस तरह से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी इंच में चेंज कर सकते हैं। तो कुछ भी आप वहाँ पर अगर मिस कर गए हैं, तो यहाँ से हम लोग कोई चीज़ आपको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इसके इंटरफेस के बारे में हम पूरा बताएंगे। उससे पहले मैं एक डिजाइन मैं बना लेता हूँ, उसके बाद पूरा इसका डिटेल्स के बारे में हम लोग बताएंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर इस डिजाइन को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे राइट क्लिक इस पर क्लिक किया जूम को लेकर, तो क्या होगा, पेज छोटा हुआ। और जैसे राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, जैसे क्लिक कर रहा हूँ पेज बड़ी हो रही है, जैसे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो पेज क्या, एक छोटी हो रही है। उसके बाद ये पेज को ऊपर नीचे लेके जाना है, तो आप यहाँ से भी पेज को लेकर ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं रेक्टेंगल टूल्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल टूल्स को मैंने ड्रॉ किया, और देखिएगा जैसे हम लाइन को ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आउटलाइन विथ, यहाँ पर आप इस लाइन को अगर आपको बोल्ड करना है या फिर कुछ, तो यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ से भी आप कोई साइज को बड़ी बड़ी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप इस तरह से इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बीच में रखेंगे, और यहाँ से फिर इसको ऐसे भी ले आएंगे। आपको जैसा करना चाहते हैं ऐसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऐसा आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप घुमा भी सकते हैं, जिधर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जिधर जैसा करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर से मैं रेक्टेंगल पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे पॉइंटर नोट पर रखिएगा, यहाँ से इस तरह से बढ़ेगा। अगर इसको शिफ्ट प्रेस कर दीजिएगा, तो एक साथ एक समान बढ़ेगा। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर रखा, इसका नाम है, टूल्स का नाम है पिक टूल्स, इससे मैं सिलेक्ट करके ऊपर ऐसे फैला रहे होते, एक कोना से बढ़ रही है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको ऊपर में करूँगा, शिफ्ट प्रेस करते देखिएगा एक बराबर ये बढ़ रही है। अब इसको हम लोग क्या करना है, लाइन को हम लोग बोल्ड करना, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसे एक लाइन को बोल्ड कर दिए। अब लाइन को हमको कलर करना है, तो यहाँ पर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, जिसकी इसका कलर हो जाएगा। अगर इसमें से बीच में से हमको कोई चीज़ फिल करना है कलर, अब ब्लैक कर देते हैं, कोई बीच में फिल करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा बीच में एक कलर को फिल हो गया। अगर इसको हमको डुप्लीकेट चाहिए तो इस तरह से ऐसे ड्रैगन ड्रॉ करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट इसका जनरेट
हो जाएगा, ठीक है ना। हम एक मैसेज बॉक्स को आगे मैं बनाऊंगा, उसके बाद पूरा इसका डिटेल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब हम यहाँ पर देखिए, इसको पिक टूल बोलते हैं। पिक टूल का क्या होता है, सिलेक्शन पोजीशन के इधर करने का काम आता है। ये पिक टूल से इधर उधर लेके जा सकते हैं, ठीक ना। अब इस पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया करेंगे। जैसे ही पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आएगा, तो कन्वर्ट टू कर्व हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक किए, डबल क्लिक, और यहाँ पर मैं इस तरह से नीचे इसको मैंने किया, ठीक ना। कैसे किए, हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं। अब देखिए मैंने इस टूल को लिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं इसको फिर से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ को पिक टूल से इसको मैं डेल बटन प्रेस किया। फिर से देखिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगल टूल, यहाँ से ये पर ले आए, ठीक है। इसको हमको लाइन यहाँ से बोल्ड कर दिए, ठीक है। इसका लाइन का कलर आप राइट क्लिक करके बदल सकते हैं, राइट क्लिक करके फिल करना होगा तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करें, यानी कि राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, इसे फिल भी कर सकते हैं। अब हमको इसको दो पीस करना है, तो यहाँ पर लेंगे पिक टूल और यहाँ से ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो दो पीस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे शेप टूल को लेंगे, तो शेप टूल पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कन्वर्ट टू कर्व के पास आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरह से नीचे करेंगे और यहाँ पर लेंगे पिक टूल को और यहाँ पर उठा के इसको इस तरह से रख देंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, मैसेज बॉक्स का एक डिजाइन बन गया। अब यहाँ पर मैं क्लिक किया हूँ इस तरह से कलर मैं फिल कर रहा हूँ इस तरह से, देखिएगा एक मैसेज बॉक्स मैं इसको मैं एक तरह से जनरेट कर दिया। अब इसको हमको इधर ला के रखना है, तो देखिए सिलेक्शन टूल लेंगे और इस तरह से हमें इस तरह से लगाएं घेरा और इस तरह से इसको ला के इधर रख दिए और यहाँ से छोटा बड़ी इसको कर सकते हैं इस तरह से। एक और हमको ऐसा बनाना है, फिर हम रेक्टेंगल टूल्स को लेंगे, यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप खींच रहे हैं, इसकी थोड़ा सी मैं बढ़ा दे रहे हैं और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर कलर को फिल में कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको हमको दो पीस चाहिए, तो दो पीस चाहने के लिए हम फिर इस पर क्लिक किए और इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉ कर रहे हैं, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब फिर हम क्या लेंगे, फिर हम लोग लेंगे शेप टूल को क्लिक किए और यहाँ पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करिए और उसके बाद डबल क्लिक कर रहे हैं और इस तरह से नीचे इसको खींचेंगे और उसके बाद इस पेज को यहाँ पर लाएंगे और इस पेज को यहाँ पर हम लोग इस पेज पर हम लोग इस तरह से रख देंगे, ठीक है। जैसे मैं पेज पर रख दिया तो क्या हुआ, इमेज वो पीछे चला गया। जैसे मैं पेज पर वो रखा वो क्या हुआ, वो पेज को हमारे पास पीछे चला गया। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा हमने इसका मैं हमको व्हाइट कलर भरना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर व्हाइट कलर भर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने दो को आपको बनाने के लिए बताया, हम फिर इसको बैक स्पेस करते हैं, ठीक ना। बैक स्पेस किए, फिर से मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर ऐसा लेंगे और इसको लाइन को हमने बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। इसका हमको दो पीस करना है, ड्रैग एंड ड्रॉ करके राइट क्लिक कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉ करके राइट क्लिक कर देंगे, दो पीस हो जाएगा। फिर शेप टूल्स को मैंने लिया और यहाँ पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और फिर मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए टू कर्व पर मैं क्लिक किया, यहाँ पर देखिए दो लाइन हो गया, एक तरह से यहाँ से इस तरह से खींचेंगे और एक तरह से यहाँ से इस तरह से खींचेंगे और यहाँ से इस तरह से। अब मैं इसको एक कलर से फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको लाकर यहाँ पर मैं रखूँगा। तो देखिएगा दो गो मैंने मैसेज बॉक्स, दो तरह के डिजाइन से मैंने मैसेज बॉक्स आपको बना के दिखलाया।
नेक्स्ट दिन हम लोग पूरा इसको इंटरफेस को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।